तो आज हम सीखेंगे कि हीरोन फॉर्मूले की हेल्प से हम किस तरीके से किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं। तो जो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो आपको पहले पता होगा फॉर्मूला, वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं टू फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल। लेकिन ये फॉर्मूला हम कब यूज़ करते हैं? जब जो ट्राइंगल है हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है। जैसे मान लो ये है एक ट्राइंगल, इस तरीके से है ये ऐसा दिया है, ये राइट एंगल है मान लो, ठीक है। तो ये एक राइट एंगल है और ये आपका बेस हो गया, ये हाइट हो गया। तो ये अगर बेस और हाइट पता है तो आप ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं। या कोई इस तरीके का ट्राइंगल है हमारे पास, मान लो ये ऐसा ट्राइंगल है, ठीक है। तो ये इसका बेस हो गया और यहाँ से एक परपेंडिकुलर आप ड्रॉप करेंगे जो कि इस बेस के परपेंडिकुलर है, तो ये जो है इसकी हाइट हो जाएगी। तो यदि ये बेस और ये हाइट पता है तब आप ये फॉर्मूला यूज़ करके एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लेते हैं। लेकिन अगर आपको बेस और हाइट ना दिया हो, ठीक है, तो उस केस में हम यूज़ करते हैं हीरोन्स फॉर्मूला, ठीक है। तो उसको कैसे अप्लाई करते हैं? तो सबसे पहले तो आप देखिए कि कोई भी ट्राइंगल इसमें आप ले सकते हैं। जैसे मान लो ये मैंने एक ट्राइंगल ले लिया, ये कोई भी एक ट्राइंगल है, किसी भी जो है शेप का हो सकता है। तीन साइड्स होने चाहिए इसमें। मान लेते हैं ये वाला साइड है 3 सेंटीमीटर, ये वाला साइड है 4 सेंटीमीटर और ये वाला साइड है मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर। तो ये तीन साइड्स हमको दे दिए हैं। अब इसमें हम इसका एरिया निकालना चाहते हैं। तो जो हीरोन्स फार्मूला है उसको पहले देखिए, फार्मूला कैसा होता है पहले आप वो समझ लीजिए। फार्मूला जो होता है एस नहीं, एरिया, एरिया इज इक्वल टू एस ब्रैकेट में एस माइनस ए, फिर एस माइनस बी, फिर एस माइनस सी और ये होल स्क्वायर रूट के अंदर होगा, ठीक है। तो देखिए ये फॉर्मूला है तो लंबा और डिफिकल्ट भी है, क्योंकि इसमें आपको स्क्वायर रूट सॉल्व करना होगा। यदि आपको स्क्वायर रूट सॉल्व करता नहीं बनता है तो ये फॉर्मूला आप अच्छे से अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया क्या है इसके लिए कि आपको जो स्क्वायर रूट वाले जो क्वेश्चन है उसको जो सॉल्व करते हैं आपको बनना चाहिए, क्योंकि यहाँ स्क्वायर रूट हर केस में आएगा, आपको उसको सिंप्लीफाई करना होगा। तो कई बार जो है स्क्वायर रूट से हट जाते हैं, परफेक्ट स्क्वायर रूट मिल स्क्वायर नंबर मिल जाता है, कई बार परफेक्ट स्क्वायर नहीं मिलता है तो स्क्वायर रूट के फॉर्म में ही वो आंसर होता है, ठीक है। तो यहाँ पहले आप समझ लीजिए, देखिए एस क्या है? एस होता है सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर क्या होता है पहले आप समझिए, पेरीमीटर क्या होता है? देखिए जैसे आपको पता होगा सर्कल सुना है आपने, एक कंप्लीट सर्कल को हम सर्कल कहते हैं, और इसका अगर हाफ कर दो तो ये कहलाता है सेमी सर्कल। तो सेमी का मतलब हो गया हाफ, तो सेमी पेरीमीटर का मतलब हाफ ऑफ द पेरीमीटर। तो पेरीमीटर जो होता है, पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है। तो जैसे अगर इसका मुझे पेरीमीटर निकालना है इस ट्राइंगल का, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा? 3 + 4 + 5, ठीक है। तो सबको प्लस कर दिया मैंने, तो आंसर क्या हो गया? 12। तो 12 सेंटीमीटर है इसका पेरीमीटर। लेकिन अगर मैं सेमी पेरीमीटर की बात करूं तो सेमी पेरीमीटर इसका हाफ हो जाएगा। तो आप कैसे निकाल सकते हैं? तीनों साइड को आप जोड़ो, 3 + 4 + 5, इसको 2 से डिवाइड कर दो, तो ये हो गया 12/2 विच इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर क्या? पेरीमीटर का हाफ होता है, बस इतना ध्यान रखिए, ठीक है। तो इस ट्राइंगल के लिए सेमी पेरीमीटर की वैल्यू आ रही है 6, यानी सेमी पेरीमीटर का मतलब एस। तो इस फॉर्मूले में जो एस हमको मिल गया वो है 6। ए बी सी क्या होते हैं? ये तीनों साइड्स, तीनों साइड्स में से किसी भी साइड को आप ए मान लो, किसी भी साइड्स को बी और किसी भी साइड को सी मान लो। मान लो इसको हम मान लेते हैं ए, 3 वाले को 4 वाले को मान लेते हैं बी और इस वाले को मान लेते हैं हम सी, ठीक है। यदि आप ऑर्डर चेंज भी कर दें, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर जो है वो सेम ही आएगा। तो अभी इससे हम आगे बढ़ते हैं, तो इसको यहाँ मैं रब कर देता हूँ। सेमी पेरीमीटर हमने 6 निकाल लिया, ठीक है। तो देखिए अब इस फॉर्मूले में हम इसकी वैल्यू रखेंगे तो ए विल बी इक्वल टू हाउ मच? ये फॉर्मूला है, सेमी पेरीमीटर हमारा है 6, तो यहाँ रखा 6, फिर एस माइनस है मतलब 6 - 3, देन 6 - b यानी 6 - 4, फिर एस माइनस सी मतलब 6 - 5। तो ये हो गया, इसको सबको स्क्वायर रूट के अंदर लिखना है आपको। अब 6 × 6 - 3 तो 3 हो गया, 6 - 4 तो 2 हो गया और 6 - 5 तो 1 हो गया, ये स्क्वायर रूट के अंदर हो गया। अब 6 × 3 × 2 तो 3 × 2 = 6 हो गया और 6 × 6 = 36, तो ओवरऑल इसकी वैल्यू होगी 36 स्क्वायर रूट के अंदर। और 36 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 36 का होता है सिंपली 6। तो जो एरिया आ गया
इस ट्राइंगल सॉरी हाँ इस ट्राइंगल का जो एरिया है इसे हम क्या कहेंगे, दिस इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह देखिए, जब आपको ना तो बेस पता है ना हाइट पता है, ट्राइंगल हमको ये भी नहीं पता कि राइट एंगल ट्राइंगल है, तो उस केस में आप इस तरीके से किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इस फॉर्मूले से ना केवल आप ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं बल्कि आप किसी भी एक क्वाड्रिलेटरल का भी एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब एक एग्जांपल करेंगे हम कि किसी एक क्वाड्रिलेटरल का अगर आपको एरिया निकालना है तो हीरोंस फॉर्मूला का यूज करके हम कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए, ये एक क्वाड्रिलेटरल दिया है, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, इसके चार साइड्स हैं, चार साइड्स दिया है 15 मीटर, 28 मीटर, 41 मीटर, 9 मीटर, और ये इसके बीच का एक डायगोनल ये हमको दिया है, ये है 41 मीटर। अब आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज़ द एरिया ऑफ दिस होल क्वाड्रिलेटरल, मतलब इस पूरे क्वाड्रिलेटरल का कितना एरिया है ये आपको बताना है। तो आप क्वाड्रिलेटरल का तो कोई फॉर्मूला ऐसा होता नहीं है एरिया निकालने का, तो हम क्या करेंगे, जो इसको हम जब डायगोनल से इसको हम दो ट्राइंगल में डिवाइड कर सकते हैं, तो आपको एक दो ट्राइंगल दिख रहे होंगे, ए डी सी एक ट्राइंगल दिख रहा है, दूसरा ट्राइंगल ए बी सी दिख रहा है। तो आप क्या करेंगे, पहले एक ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे हीरोन फार्मूला यूज करके, फिर दूसरे ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे हीरोन फार्मूला यूज करके, और दोनों को बाद में जोड़ देंगे। ठीक है, इसी है। तो देखिए, सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे, तो फॉर्मूला क्या है, एरिया इज इक्वल टू एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ये पूरा होगा स्क्वायर रूट के अंदर। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले हम ये ट्राइंगल ले रहे हैं ए डी सी, तो आप लिखेंगे इन ट्राइंगल ए डी सी, तो इस ट्राइंगल में हम हीरोन फार्मूला लगाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप इसका सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। सेमी पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, सम ऑफ ऑल साइड कर दो, सम ऑफ ऑल साइड करेंगे तो 40 + 41 + 9 को जोड़ के डिवाइड कर देंगे 2 से। अब ऊपर वाले को जोड़ दीजिए, 41 + 9 हो गया 50, 50 + 40 हो गया 90, एंड 90/2 हो जाएगा 45। तो सेमी पेरीमीटर तो आ गया 45। अब आप किसी भी एक साइड को ए बी सी मान लीजिए, मान लो 41 को हम मान ले रहे हैं ए, इस साइड को मान ले रहे हैं बी, और 9 को मान ले रहे हैं सी। तो इसमें आप वैल्यू पुट करेंगे तो एरिया विल बी इक्वल टू एस, एस का मतलब हो गया 45, देन एस माइनस ए यानी 45 माइनस ए, ए मतलब यहाँ पे क्या ले रहे हैं हम, 41 ले रहे हैं, तो 41, फिर एस माइनस बी यानी 45 माइनस बी, किसको माना है हमने, 40 को माना है, देन एस माइनस सी, तो ये हो गया 45 माइनस सी है 9। ठीक है, अब ये पूरा जो होगा स्क्वायर रूट के अंदर होगा। अब बस आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, तो सबसे पहले 45 × 45 - 41 कितना हो जाएगा, ये सिंपली हो गया 4, 45 - 40 ये हो गया 5, एंड 45 - 9 करेंगे तो ये हो जाएगा 36। ठीक है, अब देखिए, अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, तो देखिए जब इस तरीके का आपको मिल जाए इक्वेशन, अभी आप इसको तुरंत मल्टीप्लाई मत कीजिएगा, कभी भी जब भी स्क्वायर रूट के अंदर नंबर मिले उसको मल्टीप्लाई नहीं कीजिए बल्कि उसको फैक्टर्स में तोड़ दीजिए। देखिए सबसे पहले हम क्या करें, ये जो 36 है, 36 तो 6 का स्क्वायर होता है, तो ये डायरेक्टली आप स्क्वायर रूट के बाहर लिख सकते हैं 36 को, तो इसको हमने लिख दिया 6, या इसको इसके नीचे लिखा जाए, यहाँ मैं लिख देता हूँ 6, फिर स्क्वायर रूट के अंदर बाकी चीज़ें बच गई 45, 4 और 5 बचा है। अब 45 को भी आप स्प्लिट कर दो, 45 को क्या लिख सकते हैं, 9 × 5 = 45 होता है, तो 9 × 5 लिख दिया, फिर 4 × 5, 36 तो बाहर निकल चुका है, 6 बन गया, ये स्क्वायर रूट के बाहर हमने लिखा 6। अब ये जो अंदर बचा हुआ है इसमें से 5 और 5 इसका पेयर बन गया, तो ये जो है बाहर निकल आएगा रूट के, तो ये 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 × 5, और स्क्वायर रूट के अंदर क्या बचा है, अब 9 बचा है और 4 बचा है। ठीक है, अब 9 × 4 = क्या होता है, 9 × 4 = होता है 36, तो स्क्वायर रूट के अंदर हो गया 36, तो इसको मैं उल्टा के लिख लेता हूँ, तो इस तरीके से एरिया हो गया 6 × 5 स्क्वायर रूट के अंदर हो गया 36, और 36 का स्क्वायर रूट सिंपली 6 हो जाएगा, तो ए विल बी इक्वल टू 6 × 5 × 6।
ठीक है। तो ये जो एरिया निकला ये फर्स्ट ट्राइंगल का निकला, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 6 36 36 5 हो जाएगा 180। तो 180 मीटर स्क्वायर। तो ये किसका एरिया निकला, ये इस ट्राइंगल का एरिया निकला, ये नीचे वाले ट्राइंगल का, ये वाला ट्राइंगल, इसका एरिया है 180 मीटर स्क्वायर। तो हाफ ट्राइंगल का निकल गया। अब अगले ट्राइंगल जो है ये वाला ट्राइंगल, इसको भी हम निकालेंगे। तो इसके लिए इसको यहां रब कर देते हैं। अब हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी। अब यहां पे फिर सेमी पेरीमीटर आपको निकालना होगा। एस इज इक्वल टू प्लस कर दो 15 प्लस 28 प्लस 41। देखिए जो 41 वाला साइड है वो दोनों ट्राइंगल में कॉमन है, ए डी सी में भी और ए बी सी में, दोनों ट्राइंगल में साइड कॉमन है। तो यहाँ पे भी वो साइड 41 ही आएगा। अब इसको पूरे को 2 से डिवाइड कर देंगे। अब इसको जोड़ेंगे आप तो ये कितना आ रहा है, 41 प्लस 28 प्लस 15 करेंगे तो ये आ जाएगा 84 डिवाइडेड बाय 2, और इसको 2 से डिवाइड कर दिया तो एस हो गया हमारा 42। तो सेमी पेरीमीटर आ रहा है हमारा 42। अब ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो अभी मैं इसको यहाँ मिटा देता हूँ। सेमी पेरीमीटर 42 आ चुका है हमारा। अब ये फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे तो एरिया इज इक्वल टू 42, फिर 42 माइनस किसी भी साइड को ले लो आप, 42 माइनस 41, ठीक है। इसमें ऑर्डर ज़रूरी नहीं है कि इसको आप ए लेंगे या इसको लेंगे, इसको लेंगे, किसी को भी ले सकते हैं आप, ठीक है। रिपीट नहीं करना बस। 42 माइनस 28 कर लेते हैं, फिर 42 माइनस 15 कर लेते हैं, ये जो पूरा है ये स्क्वायर रूट के अंदर रहेगा। अब बस आपको सिंप्लीफाई करना है। 42 माइनस 41 कितना हो जाएगा सिंपली, ये तो 1 हो गया। 42 माइनस 28 करेंगे तो ये हो गया 14, एंड 42 माइनस 15 करेंगे तो ये हो गया 27। ये पूरा स्क्वायर रूट के अंदर है। अब देखिए, अब फिर आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसको फैक्टर्स में डिवाइड कर लेना है। तो 42 को आप लिख सकते हैं 6 इंटू 7। 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, देखिए अननेसेसरी है। 7 को स्प्लिट कर सकते हैं आप 7 इंटू 2, फिर 27 को आप स्प्लिट कर सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3। इस तरीके से ये पूरा होगा स्क्वायर रूट के अंदर। अब देखिए 7 का एक पेयर बन रहा है और 3 का एक पेयर बन रहा है। 7 और 3 स्क्वायर रूट से बाहर निकल जाएंगे और अंदर क्या रह जाएगा, 6 2 और 6। अब देखिए जो 6 है और 2 इंटू 3, ये भी 6 होता है, तो ये भी तो पेयर बन जाएगा ना 6 और 6 का। तो 6 7 3 तीनों स्क्वायर रूट से बाहर निकल आएंगे। तो 6 इंटू 7 इंटू 3, अब तीनों का आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 3 हो गया 21 एंड 21 6 हो जाएगा 126। तो इसका जो ओवरऑल वैल्यू आएगी 126। तो जो दूसरा वाला ट्राइंगल है ऊपर वाला, ये हो गया 126 मीटर स्क्वायर इसका एरिया हो गया, ठीक है। तो ये दोनों ट्राइंगल का एरिया आपने अलग अलग निकाला है। अब टोटल एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल आपको बताना है, तो ये दोनों का एरिया को आपको जोड़ देना है। तो टोटल एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी विल बी सिंपली 180 प्लस 126, तो इनको आप जोड़ देंगे तो 306 मीटर स्क्वायर आ जाएगा।